गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी किया था कि कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, इन सब को हमने स्टडी किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिशेस के अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं, फिशेस के अंदर उनके बॉडी पे ऊपरी जो अपर बॉडी है उसकी कवरिंग जो है वो स्केल से की जाती है। अब वो जो स्केल्स होते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह पार्टिकल्स हो सकते हैं, बेसिकली वो प्रोटीनियस नेचर के हो सकते हैं, मिनरल से बने हुए हो सकते हैं, या फिर डेंटाइन नेचर के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम जो पढ़ रहे हैं इसको आपको वन बाय वन करके अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इतना आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम्स ज़रूर कंडक्ट होंगे, फाइनल ईयर के पेपर होने वाले हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। सो आपको एक एक टॉपिक, और हम लोग भी वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा संभावना होती है, जो ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं उन पर हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और उन टॉपिक्स को ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केल्स में भी अगर देखा जाए तो प्लेकोइड स्केल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल ज़रूरी है जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स हैं उन सबके बारे में आपको डिटेल में पता हो, ठीक है। तो स्केल्स के बारे में अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जो जो स्केल्स के बारे में पढ़ना है, दैट आर गोनोइड स्केल के बारे में पढ़ना है, रोमोइड स्केल के बारे में पढ़ना है, कॉस्मोइड स्केल के बारे में पढ़ना है, They are cosmoid. Rhomboid. और डिफरेंट काइंड प्लेकोइड स्केल है इसके अलावा। तो इतने सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स हैं इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। वन बाय वन हम एक एक वीडियो में एक स्केल्स के बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉस्मोइड स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के स्केल होते हैं, कैसा इनका अपीयरेंस होता है, किस कॉम्पोजिशन से ये बने होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कॉस्मोइड स्केल के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्मोइड स्केल की अगर अपन बात करें तो एंशियंट जो फिशेज हैं, एंशियंट बेसिकली देखा जाए तो एंशियंट बोनी फिशेज जो हैं उनके अंदर ये पाए जाते थे। एंशियंट बोनी फिशेज ऑफ डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड की जो बोनी फिशेज थी उनके अंदर ये जो कॉस्मोइड स्केल्स थे वो पाए जाते थे, ठीक है। डेवोनियन पीरियड के जो फिशेज थी, बोनी फिशेज, उनके अंदर ये कॉस्मोइड स्केल्स जो हैं पाए जाते थे, मिलते थे। अब ये जो डेवोनियन पीरियड की बोनी फिशेज थे इनको हम नॉर्मली प्रोसेप्टेरिजियन फिशेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो बोनी फिशेज हैं इनको नॉर्मली हम प्रोसेप्टेरिजियन फिशेज बोलते हैं। ये जो प्रोसेप्टेरिजियन फिशेज हैं इनकी खासियत ये है कि ये माना जाता है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति इसी फिश से हुई है, या फिर सिंपल सी बात करें जो टेट्रापोड्स है यानी कि एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया की उत्पत्ति जो है इस प्रोसेप्टेरिजियन फिश से ही हुई है, ठीक है। क्योंकि ये बोनी फिशेज है तो जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक स्केलेटन मौजूद है उनकी जो उत्पत्ति है वो इस प्रोसेप्टेरिजियन फिशेज से हुई है। उसके बाद अगर अपन बात करें ये जो कॉस्मोइड स्केल है, इसका नाम कॉस्मोइड इसलिए पड़ा क्योंकि ये थिक लेयर से बना हुआ है, उस थिक लेयर जिस पर्टिकुलर चीज़ से ये बना है उसको हम कॉस्मीन बोलते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से बना है इसको हम कॉस्मीन बोलते हैं। सो कॉस्मोइड स्केल इज मेड अप ऑफ कॉस्मीन, थिक एक लेयर होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ अ थिक लेयर ऑफ अभी कॉस्मीन क्या है,
आप सबने डेंटाइन के बारे में सुना होगा। डेंटाइन क्या होता है? हमारे शरीर की बात करें तो सेकंड हार्डेस्ट टिश्यू है, एनएमएल के बाद सेकंड हार्डेस्ट टिश्यू है। तो कॉस्मिन जो है डेंटाइन टाइप सब्सटेंस है, इट इज अ डेंटाइन टाइप मटेरियल, इट इज अ डेंटाइन टाइप मटेरियल। मतलब ये हार्ड होता है, टिश्यू होता है, मिनरल से बना हुआ होता है और ए सेलुलर होता है। ये सारी चीज़ें पता चल गई। उसके बाद ये जो कॉस्मोइड है जो कि कॉस्मिन से बना हुआ है, मछली के शरीर के ऊपर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह जमा हुआ रहता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह मौजूद रहता है, फाउंड एज स्मॉल बोनी ब्लॉक्स। और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में जो बना हुआ रहता है या छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में जो पाया जाता है, इस कारण से मछली का जो ऊपरी हिस्सा है शरीर का वो क्रोकोडाइल की तरह दिखने लगता है। क्रोकोडाइल का जैसे अपीयरेंस होता है ना, छोटे 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 उसके पास जो स्पाइक्स मौजूद होते हैं, वैसे ही स्पाइक्स की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर ये छोटे छोटे कॉस्मोइड्स के कारण बन जाता है, जिस कारण से इसको क्रोकोडाइल का ही अपीयरेंस मिलता है। क्रोकोडाइल अपीयरेंस, ठीक है, क्रोकोडाइल अपीयरेंस जो है वो मिलता है इन फिशेस को। तो स्मॉल बोनी ब्लॉक्स के रूप में ये मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये जो कॉस्मिन है जिसको हम बात करें यहाँ पे, कॉस्मोइड स्केल जो है वो कॉस्मिन से बना हुआ है। कॉस्मिन जो है ऊपर से एक प्रोटीन की लेयर से घिरा हुआ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। कॉस्मिन जो है वो एक प्रोटीन की लेयर से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम विट्रोडेंटाइन बोलते हैं। सो कॉस्मिन इज कवर्ड बाय ए प्रोटीन लेयर, कॉस्मिन जो एक प्रोटीन लेयर से घिरा होता है, इसको हम विट्रोडेंटाइन ठीक है, एक प्रोटीन लेयर से घिरा हुआ रहता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको अपन विट्रोडेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉस्मोइड का जो ऊपर वाला हिस्सा है या कॉस्मोइड का जो सरफेस है वो किस तरह का रहता है, उसमें बहुत सारे पिट्स मतलब गड्ढे और बहुत सारे कैनाल्स मतलब नलियां जो है मौजूद रहती हैं। सो सेवरल पिट्स मतलब गड्ढे एंड कैनाल्स, नलियां, तो सेवरल पिट्स एंड कैनाल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, प्रेजेंट ऑन द सरफेस में बहुत सारे पिट्स और कैनाल्स जो है वो मौजूद रहते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। सबसे पहले कॉस्मोइड स्केल जो है वो कॉस्मिन से बना हुआ होता है, कॉस्मिन जो है वो डेंटाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हार्ड टिश्यू होता है, और ये जो है मिनरल्स से बना होगा। उसके बाद अगर बात करें तो छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में पाया जाएगा, जिस कारण से मछली को जो है क्रोकोडाइल का अपीयरेंस मिलेगा। ये जो कॉस्मिन है ये ऊपर से एक प्रोटीन की लेयर से घिरा रहता है, जिसको विट्रोडेंटाइन कहते हैं, और ये जो विट्रोडेंटाइन की अपर लेयर है इसमें बहुत सारे पिट्स और कैनाल्स मौजूद रहते हैं, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें इस कॉस्मिन के अंदर, कॉस्मिन के ऊपर तो ये विट्रोडेंटाइन की लेयर है, पर कॉस्मिन के अंदर की बात करें, उसके अंदर एक स्पॉन्जी बोन मौजूद रहता है जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद रहते हैं, उसको हम आइसोपेडाइन बोलते हैं। बीनीथ कॉस्मिन, कॉस्मिन के नीचे, कॉस्मिन के नीचे क्या मौजूद रहता है, एक थिक स्पॉन्जी बोन का लेयर मौजूद रहता है, थिक स्पॉन्जी बोन, वो साथ ही साथ वैस्कुलराइज भी रहता है, मतलब ब्लड वेसल्स मौजूद रहते हैं। सो कॉस्मिन के नीचे एक थिक स्पॉन्जी बोन वास्कुलराइज स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, वास्कुलराइज स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, दैट इज आइसोपेडाइन। ठीक है, नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है जिसे हम यहाँ पे आइसोपेडाइन कहते हैं, ओके।
स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज आइसोपेडाइन। ये आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आइसोपेडाइन मौजूद रहता है। तो ये था आपका कॉस्मोइड स्केल्स के बारे में। अच्छा, यहाँ आइसोपेडाइन जो है वो चूंकि वास्कुलर है, मतलब वहाँ ब्लड वेसल्स मौजूद है, तो नरिशमेंट और एनर्जी यहीं से, ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो इस आइसोपेडाइन की लेयर से ही मिलेगी, पूरे के पूरे कॉस्मोइड स्केल्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, कॉस्मोइड स्केल क्या होता है, कहाँ किन फिशेज में पाया जाता था और किस चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन सी लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, और फंक्शन क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फिश की बॉडी को, ओके। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।